जय हिंद दोस्तों। और अब आज हम जा रहे हैं सवाई माधोपुर से कम 18 से 20 किलोमीटर दूर शेलू गांव, जो गोगोर के पास है। और हमारे साथ ट्रेजडी हो गई 20 सफर पे। हम खड़े हैं यहाँ पर, पेट्रोल बीत गया गाड़ी में, बुलेट गाड़ी है, समीर भाई चला रहे हैं। चलाने को तो मैं चला रहा हूँ, स्टार्ट कर रहे हैं। और बन शर्मा भी साथ में है, करे क्या, बड़ी चोट हो गई है और पेट्रोल बीत गया है। अब देखते हैं, सामने पेट्रोल पंप है, यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर, और इसको लेके चलते। चलो भाई चलो चलाओ। दोस्तों कंडीशन ऐसी है, गाड़ी को हमको पैदल पैदल लेके जाना पड़ रहा है। और बन शर्मा भी अपना रेस्क्यू हुक लेके और जार लेके चल रहे धीरे धीरे। बन शर्मा देखो सर इधर और हाईवे पे चल रहे हैं हम। अब ये देखते हैं क्या होता है। पेट्रोल पंप तो सामने ही है, ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ लगभग 1000 मतलब क्या कहते हैं मीटर दूर तो है ही करीबन। आपको दिखता हो तो सामने पेट्रोल पंप है और हम दिखाते हैं अब आपको। अरे मत बना वीडियो, मैं डिलीट कर दूंगा तुम्हें। जय हिंद दोस्तों। आज हम आए हैं सेलू गांव, जो हमारे गोगोर के पास है, गोगोर से 3-4 किलोमीटर दूर, और सवाई माधोपुर से 18 से 20 किलोमीटर दूर है। और मैं आया हूँ समीर अहमद के साथ में और हमारे बन शर्मा कैमरा मैन, और देखते हैं कौन सा छापा हमने देखा नहीं। हमको टेलीफोन किया है और टेलीफोन के माध्यम से हम आए हैं यहाँ पर, और आपको नई जानकारी के साथ नए सफर पे दिखाते हैं। आइए तो आप ही बताओ। अरे कितना बड़ा भाई साहब, बड़ा तो बहुत है। अभी थोड़ी देर में तो बोल रहे इसको, तो बोल रहे इसको ज्यादा 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 बर्थडे का दिन तो प्राइस में तो भाई ये तो रोके निकलता भी बाहर तब मुझे आप दो बोलोगे ना इसमें से। नहीं यहाँ से निकला था बाहर क्या था अभी क्या था अभी। अरे दोस्तों इंडियन इंस्पेक्टर गण कोबरा बहुत जबरदस्त नाग है। बहुत सुंदर नागराज, शांत शांत, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। ये बढ़िया काम किया, बोलिए आराम से आराम से। भाई साहब
देख ले वैसे पकड़े चाहिए साहब है भाई साहब आओ बतौर इलाज कर दियो पक्को जंगल में छोड़ेंगे दोस्तों। इलाज यही है, यही है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा जिसे हम भारतीय नाग बोलते हैं। और ये हमारे सेलू गांव के अंदर क्या बोलते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेलू गांव में आ गया है और स्टोर में बैठा हुआ था जिसमें दवाई गोलियों का स्टॉक होता है उसमें बैठा हुआ था और टेलीफोन के माध्यम से मेरे को सूचना इसे दी थी आपने कितनी छोटा टेलीफोन आपने क्या नाम है आपका अशोक कुमार अशोक जी मीणा साहब ने हमको टेलीफोन किया है जो इसी स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत हैं और इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है कि ये जीव बचा है। अधिकांश गांवों के अंदर इन जीवों को देखते ही मार दिया जाता है जिसका खामियाजा पूरा पूरा इंसानों को भुगतना पड़ता है क्योंकि खासकर ये किसानों के सच्चे मित्र हैं, इको फ्रेंड है, गॉड गिफ्ट है क्योंकि यही प्राणी एक ऐसा है जो धरती पे चूहों की तादाद को नियंत्रण रखता है और किसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है चूहा। हमारे देश का अन्नदाता किसान दिन रात मेहनत करके जी तोड़ खून पसीने की कमाई से अनाज उगाता है और उसको 70% बर्बाद करने में पूरा पूरा योगदान रहता है चूहे का। तो चूहे की प्रजाति को नियंत्रण रखने में सांप का बड़ा रोल होता है और हम इस गाँव को और गाँव के अंदर बने हुए स्वास्थ्य केंद्र को और इसमें कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को हमारे YouTube चैनल स्नैक कैचर रणथंभौर सवाई माधोपुर की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और इनको शुक्रिया कहेंगे क्योंकि इन्होंने एक जीव को बचाए रखा। जीव को हम यहाँ से सेकुशल रेस्क्यू करके और पुनर्वास हेतु रणथंभौर के जंगल में छोड़ देंगे। उसको शांत करते हैं उसके बाद में उसको पृथ्वी स्नान करा रहा है। ऐसा जीव नहीं है पृथ्वी पर जिसको विश्वास नहीं लिया जा विश्वास आ जाएगा नहीं तो ये तो क्या इसका काम खाने का है। इसके पास ना तो माइंड है ना इसके पास हाथ पे तो समझने की बुद्धि नहीं है। देखो भाई साहब सुनो मेरी बात इसका काम है खाना आत्मरक्षा में ये भी खाएगा आत्मरक्षा में आदमी भी इसको मार देता है। आप कहते हो किसान का रख सके पैसा अपने बचाव में खाएगा ही किसान का काम यही ढोल तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। देखो प्रति अगर इसको भगवान ने ईश्वर ने उस मालिक ने बनाया है ना तो कोई ना कोई तो काम बनाया भगवान ने ऐसे तो यार देखो सुनो प्रति पर सुनो मेरी बात तो प्रति पर सबसे खतरनाक प्राणी इंसान है तो इंसान को भी नहीं बनाना चाहिए खत्म कर देना चाहिए। ये गलत बात है कि ऐसा क्यों बनाया हर जीव जरूरी है प्रति पर ऐसी बात नहीं है इंसान से खतरनाक कोई चीज नहीं है। उनका काम है वो कर रहे हैं आपके हिसाब से समझिए आप।
किससे कहानी सुन सुन के तो मारते हो आप लोग गाँव में? हमारे भाई साहब तो चारों खा गया, बाड़ी मर गया। भाई साहब सब्जी के ही खा रहे हैं, आपके गांव में नहीं खाए। माधुपुर में 8 साल का रिकॉर्ड है हमारे पास, कितने मरते हैं। और आप लोगों की के लिए ही मैं दो दो बार कलेक्टर साहब से मिला हूँ, दो दो बार सीसीएफ साहब के पास मिला हूँ, एक बार सीएमओ के पास मिला हूँ, और पिछली बार 150 एंटीडोट आई है यहाँ पर। आप लोगों के लिए कर रहे हैं यार, अब इतनी दूर से हम भग के आए हैं यार। मैं प्राइवेट काम करता हूँ, 30% दुकान चलाता हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी दुकान चलाता है, वो पढ़ाई करता है, हम तो भग के आए। हमको शाह पकड़ने पैसे लेते नहीं किसी से, क्यों क्यों भग रहे हैं हम? नदी पर इनका वर्चस्व बना रहे, अगर ये जिस दिन लुप्त हो गए ना तो ये स्वास्थ्य केंद्र बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ये इनसे पूछ लो आप, आधी से ज्यादा दवाइयाँ इनकी जहर से बनती है। बिल्कुल सही बात है, क्या बात कर रहे हो आप? अगर उस मालिक ने वो पागल थोड़ी है यार, उसने अपन को बनाया है, देखो बताओ, उसने हम अपन को बनाया है तो उसने इन जीवों को बनाया है, तो कोई ना कोई तो कारण है। मारना किसी चीज का हल थोड़ी है भाई, मारना किसी चीज का हल है, तब तो हो गया काम। अपन पकड़ते हैं ना, मीट में आ जाता है, ये गर्म हो जाता है इसका शरीर, जल्दी पी रहा है पानी, पी भी रहा मित्रों, हमने इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे हम भारतीय नाग बोलते हैं, हमने सेरू गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से इसको रेस्क्यू कर लिया है, लंबे बैठा है, और पुनर्वास हेतु इसको हम रणथंभौर के जंगल में छोड़ दिया है, जिससे आदि का जीवन जिएगा। और लगभग अभी इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, खेच के 3.5 से 4 साल की होगी, 4 साल 5 साल का हुआ, अब इसके पास काफी उम्र बची, क्योंकि ये 45-50 साल की अभी लगभग उम्र जीते हैं। तो हम इसको लेके चलते हैं और दिखाते हैं इसके वीडियो बनाए, वीडियो दिखाते हैं, आप मिलते हैं रणथंभौर के जंगल में। इसके साथ हम बोलते हैं जय हिंद जय भारत, और गर्व से बोलेंगे वंदे मातरम। सब पूरी दोस्तों, आगे हैं हम जंगल रणथंभौर अभ्यारण टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, और लाए हैं साथ में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जिसे हम भारतीय नाग बोलते हैं। और हमारे सवाई माधोपुर से लगभग 20 से 21 किलोमीटर दूर शेड़ू गांव, जो गोगोर के पास है, वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर ये आ गया था स्टोर के अंदर, और हमने इसको वहाँ से रेस्क्यू किया है, समीर अहमद और मैंने, और अब हम इसको पुनर्वास हेतु छोड़ देते हैं, जिससे आगे का जीवन जिएगा। तो समीर भाई छोड़ो, आओ इधर जा दोस्त, जिंदा तेरा जीवन, जा निकल जाए, निकल जाए। जा ना भाई, दादा जा रहे।
जाए ना यार, निकट रहा क्यों नहीं है, अब जाने के लिए बोल रहा तो जा रहा नहीं है, जा जा रहे जा। बहुत सुंदर। और दोस्तों ये गया और हमें सुकून है कि ये इसका जीवन यापन कर लेगा, निकल गया ये, जा रहा है। कर लेगा इसका जीवन यापन। तो मेरे दोस्तों हमारे साथ आज वन शर्मा भी मौजूद हैं और गया समीर भाई, गया जाने दो उसको, हमने इस जीव को छोड़ दिया है। दिल को बड़ा सुकून है, मन को शांति है और हमारा हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। आज हम इतनी दूर आ तो गए थे हम, और हमने इसको रेस्क्यू भी किया वहाँ से, पर हम जंगल में भी आ गए, इसको इसके माहौल में छोड़ दिया, प्रकृति माहौल में। मेरे दोस्तों हमारा तो एक ही रीजन होता है और एक ही बिना पे हम काम करते हैं, हमारी पूरी टीम काम करती है, हमारा पूरा चैनल काम करता है कि जियो और जीने दो। पूरी दुनिया के अंदर शांति का पैगाम यही होना चाहिए और हमारी टीम जद्दोजहद करती थी इन जीवों को बचाने के लिए। तो हम यही कहेंगे, हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना यही करेंगे कि ऐसे जीवों को बचाने का आप सबका योगदान हमें चाहिए, आप लोगों का सबका साथ चाहिए। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने लोगों में, जिससे लोगों के अंदर इनकी चेतना आए, लोगों को समझ सके कि जीव जंतु हमारे लिए कितने जरूरी हैं। और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी जीव की जान बचाते हुए, उसकी मदद करते हुए, उसकी हेल्प करते हुए, उसका संरक्षण करते हुए और उन लोगों का डर दूर करते हुए, भय दूर करते हुए जिनके बीच में ये आ जाते हैं। तो चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत। और गर्व से बोलेंगे वंदे मातरम। चलिए।